फैसला लिया है। माशाल्लाह मैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, MBBS सेकेंड ईयर का स्टूडेंट जी। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ की बिल्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बिल्डिंग का फैकेलिटी, यहाँ की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी फैकेलिटी का तो क्या ही कहने हैं। फैकेलिटी में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और कॉलेज में से हमें लेक्चर्स देने आते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल से भी क्लिनिकल लेक्चर्स देने डॉक्टर्स आते हैं, जो कंसल्टेंट हैं हॉस्पिटल के, वो भी लेक्चर देने यहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल कॉलेज में। कॉलेज आने से पहले तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता था कि प्राइवेट कॉलेज में पहला साल है किस तरह का होगा, लेकिन जब एक साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजारा है, बहुत अच्छा गुजारा है और अपनी सोच से बढ़ कर इसे पाया। पाकिस्तान में माशाल्लाह मेडिकल की फील्ड का बहुत स्कोप है, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी कॉलेजेस बन गए हैं, और इस तरह से इसका स्कोप भी, जैसे कि माशरे में डॉक्टर की अहमियत का तो आपको अंदाज़ा है, बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि क्या डॉक्टर को मुकाम दिया जाता है एक माशरे में, तो उस लिहाज से ये बहुत स्कोप है पाकिस्तान में मेडिकल की फील्ड। फिलहाल तो नहीं है क्योंकि अभी पाँच साल पढ़े हैं अभी हाउस जॉब के भी, लेकिन इसकी वजह ये भी आ जाती है कि यहाँ पे कम मिलती है कुछ को, और ये डिफरेंट इशूज़ हैं इस मामले में। अक्सर जो स्टूडेंट्स होती हैं वो एडमिशन तो ले लेती हैं लेकिन पाँच साल पूरे नहीं करती, बाज़ात उनकी शादी हो जाती है पाँच साल के दरमियान ही, और बाज़ात पाँच साल कम्प्लीट करके वो शादी करके घर में बैठ के हांडी रोटी पकाती हैं, ना कि वो मुल्क का भी पैसा ज़ाया करती हैं और हमारी सीट भी ज़ाया करती हैं।